तो हेलो गाइस कैसे हैं आप मैं हूं आमिर और आ गया हूं फिर से एक नया वीडियो लेकर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी डिक्शनरी के बारे में जिसकी हेल्प ले सकते हैं आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए और बेस्ट चीज़ ये है ये एप, एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपके प्ले स्टोर पर और अच्छी चीज़ ये है ये हर वर्ड को आपको एक हिंदी में एक्सप्लेनेशन तो देगा ही देगा साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाएगा आई प्रोम टू यू अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग लर्नर हैं अगर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए मैं इस वीडियो में कोई आपको इंग्लिश बोलना नहीं सिखाने वाला हूं, लेकिन गारंटी आपने इंग्लिश बोलने के लिए जितने भी देखे हैं उससे ज्यादा आपको ये वीडियो हेल्प करेगा इस वीडियो को देखने के बाद मोर देन फोर्टी फाइव परसेंट इंग्लिश तो आप डायरेक्टली इस टूल की सहायता से ही सीख जाओगे डेली बेसिस पे आप अपने न्यूज पेपर्स के कंटेंट को भी आप रीड कर पाओगे और उनमें इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स को भी आप सीख जाओगे तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वे, चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और मैं लाइव आपको करके दिखा देता हूँ कौन सा टूल है क्या आपको परमिशंस देनी पड़ेगी और ये एप्लीकेशन काम कैसे करता है चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन तो सबसे पहले हम करते क्या है सबसे पहले हम डाउनलोड करते हैं उस टूल को जिसकी मैं बात कर रहा था मैंने बताया था आपको ये टूल हेल्प करेगा इंग्लिश स्पीकिंग लर्न करने में साथ ही साथ इसका इस्तेमाल आप और भी कई सारी चीजों के लिए कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं करता हूँ डाउनलोड इस टूल को और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल हम क्या क्या करने के लिए कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है आपको क्लिक कर देना है प्ले स्टोर पे और सर्च बॉक्स पे आपको टाइप कर देना है मैकटैप यही आपको दिखाई दे रहा था मैकटैप एम ए जी टी ए डबल पी आपको दिखाई दे रहा होगा टॉप पे सर्च रिजल्ट्स में आपको इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इसको करेंगे डाउनलोड मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है मेरे में अन इंस्टॉल एन ओपन बटन आएगा आप वाले में इंस्टॉल आएगा तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल हम किन किन चीजों के लिए कर सकते हैं ये एक वेब ब्राउजर है जैसे हम यूज करते हैं क्रोम का या फिर हम यूज करते हैं यूसी ब्राउजर का यूसी ब्राउजर एक चाइनीज एप्लीकेशन है इसको बैन कर दिया गया है तो जैसे हम कोई भी चीज सर्च करने के लिए वेब ब्राउजर्स का यूज़ करते हैं उसकी जगह पे हम मैक टैप एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं चीज़ों को सर्च करने के लिए ये ये एक डिक्शनरी का काम भी करता है ये आपको वर्ड्स की डिक्शनरी यानी हिंदी भी बताएगा इंग्लिश भी बताएगा और इमेजेस में उसकी एक्सप्लेनेशन भी देगा साथ ही साथ अगर कोई पीडीएफ फाइल है जिसको आपको रीड करने में दिक्कत है आप बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ आप इस एप्लीकेशन को यूज करते हुए किसी भी पीडीएफ फाइल को रीड कर सकते हैं साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसको आपको ये रीड करके सुना है यानी आपको उसका प्रोनाउंसिएशन सुनाई दे तो वो भी ये एप्लीकेशन आपकी हेल्प करेगा अच्छी चीज ये इसको डाउनलोड करेंगे मैं आपको और चीजें अंदर दिखा देता हूँ तो पहले हम ओपन बटन पे क्लिक करेंगे ओपन बटन पे क्लिक करने के बाद मैं आपको इसका होम दिखा देता हूँ कि होम स्क्रीन कैसी आएगी तो होम स्क्रीन ये रही जैसा कि मैंने बताया कि वेब ब्राउजर है तो यहाँ पर आपको सर्च इंजन में गूगल अमेजोन फेसबुक यूट्यूब विकीपीडिया फ्लिपकार्ट जैसे अच्छे अच्छे सर्च इंजन आपको टॉप पे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर तो आपको दिखाई दे रहा है मोस्ट विजिटेड जैसे जो चीजें आप ज्यादा सर्च करोगे वो आपको मोस्ट विजिट पे जाके आप वहां पर देख सकते हो ट्रेंडिंग में जो चीजें हैं आप वो देखना चाहते हो तो ट्रेंडिंग पे क्लिक करिए वो चीजें आपको ट्रेंडिंग में दिखाई दे जाएंगी अब कोई इमेज में डिक्शनरी कोई सर्च करनी है डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है सर्च करना है उसके लिए नीचे आपको ऑप्शंस दिखे हुए हैं अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए किस चीज को सर्च करने में दिक्कत आ रही है तो बगल में हेल्प एंड सपोर्ट का भी यहाँ पर आइकन है आप उस पर क्लिक करके वो भी ले सकते हो अब इसके बाद हमें ऑनलाइन बुक पढ़नी है तो पे ऑनलाइन बुक्स बुक्स का ऑप्शन अवेलेबल है क्लिक करिए वहां पर आपको डेरो दिखाई दे जाएंगी जो कि काफी हद तक फ्री कॉस्ट और कुछ वर्जन भी है, जिनको पेड है जिनको आप परचेज कर सकते हो किस कोर्स के लिए आप जा रहे हो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आई आई आप वहां पर सर्च में देखेंगे तो आपको ऊपर दिखाई दे जाएगा तो अपने हिसाब से आप चॉइस कर लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए उस पर क्लिक करके आप उसको रीड कर पाएंगे अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए उसको आप देख रहे होंगे टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है मैक मैकटेप ट्रांसलेट इसका आप इस्तेमाल उसके लिए भी कर सकते हो कोई वीडियो कोर्स सर्च करना है तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा नीचे आएंगे हिंदी स्टूडेंट मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी आपको जैसी न्यूज सर्च करनी है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी हम करते हैं किसी भी न्यूज पे क्लिक कर देते हैं क्लिक करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा होगा अब हमें इसको पढ़ते समय कोई भी वर्ड ऐसा है जिसकी हमें हिंदी समझ नहीं आ रही है तो हमें क्या चाहिए हमें उसकी हिंदी चाहिए उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा बस उसके लिए सिंपली आपको उस वर्ड पे टैग करना है और मात्र टैग करने से वो वर्ड की हिंदी विथ आपको इमेज के दिखाई दे जाएगी एक बार हम देखते हैं यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है स्पेंट और मुझे स्पेंट की सपोज हिंदी नहीं आती है तो मैं स्पेंट पे ऐसे क्लिक करूंगा और इसको टैग करके रखूंगा टैग करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर दिखाई दे रहा है खर्च होता है इसका मतलब स्पेंट मीन और उसको एक्सप्लेनेशन दे रहा है आपको उसने बहुत पैसा खर्च किया है सपोज हमें इफेक्ट की हिंदी नहीं आती और हमें पता करनी है तो हम इफेक्ट वर्ड पर टैग करेंगे और टैग करके करेंगे देखेंगे तो हमें सर्च रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा इफेक्ट का मतलब होता है असर एग्जाम्पल समझा रहा है बाढ़ से यातायात पर बुरा असर पड़ा तो आपको एग्जाम्पल में लिखा हुआ द फ्लड हैड अ बैड इफेक्ट ऑन ट्रैफिक तो ऐसे क्या करेंगे आप किसी भी वर्ड की हिंदी तो सर्च करेंगे ही करेंगे साथ ही साथ आपको मिलेगा उसका एक्सप्लेनेशन और जिससे आप चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप एक इंग्लिश स्पीकिंग लर्नर हैं तो डेली बेसिस पे आप कोई भी एक न्यूज पेपर यहाँ पर कोट कर लीजिए जो आपको पसंद हो इंग्लिश में उसको डेली रीड करिए और उस एक न्यूज में जो भी आपको वर्ड ऐसा मिलता है जिसकी आपको हिंदी नहीं आ रही है उसको यहाँ पे सर्च करिए सर्च करने के बाद उसको आप सेव भी कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर तो पर मैं सेव करके दिखा देता हूँ क्लिक करिए क्लिक करने के बाद सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमिक या क्रिएटेड तो क्रिएटेड पे हम टैग करते हैं टैग करने के बाद आपको देखने को मिला क्रिएट मीन बनाना यहाँ पर लिखे हुए एग्जाम्पल है उसने एक मूर्ति बनाई ही क्रिएटेड अ अपच्चर तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इसको आप सेव भी कर सकते हो तो यहाँ पर सेव के लिए आपको आइकन दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक करते हुए इसको सेव कर सकते हो ताकि क्या है बाद में आप देखना चाहोगे आपने कौन कौन सी इमेजेस को सेव किया है ये सिंपल से टूल है काम इसके बहुत सारे हैं जिसके लिए भी आप टेक्नोलॉजी की न्यूज देखना चाहते हो तो टेक्नोलॉजी पे क्लिक कर सकते हो एंटरटेनमेंट चाहिए एंटरटेनमेंट पे क्लिक करिए हेल्थ से रिलेटेड बिजनेस रिलेटेड ऑटोमोबाइल किसी चीज से भी रिलेटेड आपको जो न्यूज चाहिए यहाँ पे क्लिक करते हुए आप वो देख सकते हो मैंने कहा एक सर्च इंजन के तरीके भी काम करता है एक ब्राउजर तरीके आप फ्लिपकार्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ से फ्लिपकार्ट भी ओपन हो जाएगा और आप फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर पाएंगे सर्च करेंगे बिल्कुल एक वेब ब्राउजर के तरीके आपका काम करेगा तो इसे डिफॉल्ट वेब ब्राउजर बना सकते हैं और ये पूरी तरह से चाइनीज एप्लीकेशन नहीं है तो आप इसको अच्छे से यूज़ करिए और एंजॉय करिए आई एम श्योर आपको वीडियो समझ में आ गया होगा टिक भी अच्छी लगी होगी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक पर बात करते हुए आज के लिए फिलहाल इतना ही बाय बाय टेक केयर